जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शासन पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और एकता जिंदाबाद, और एकता जिंदाबाद। शासन है सच्चो मुर्दाबाद, शासन है सच्चो मुर्दाबाद, शासन है सच्चो मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश की खाकी पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया। मामूली विवाद में एक हिंदी अखबार के पत्रकार की थाना कोतवाली निघासन पुलिस स्टाफ ने पूरी बर्बरता के साथ घंटों पिटाई की। पिटाई में पत्रकार को कई चोटें आई। इस बार पुलिस बर्बरता का निशाना बना पत्रकार विकास दीक्षित, जो गांव लुधौरी का रहने वाला है, जिसका उसकी अपनी पत्नी से दो दिन पहले विवाद हुआ तो पत्नी की शिकायत पर थाना पुलिस 14 अगस्त को विकास को उसके घर से पकड़कर थाना लाई, जहां कोतवाल के आदेश पर चार पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से घंटों पिटाई की। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ स्थानीय पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के उच्च अधिकारियों से निघासन कोतवाली पुलिस के खिलाफ अविलंब कार्यवाही की मांग उठाई है। और मेरा पत्नी का विवाद था, जिसको लेकर पुलिस ने जो है पुलिस लेकर आई थी हमें निघासन थाने। वहाँ थर्ड डिग्री की तालिबानी सजा दी गई है हमें। इस कदर मारा गया है पट्टों से, पूरी रात लाइट बंद करके पूरी रात मारा गया है। ये सब चोटें लगी हुई हैं और इसमें कोतवाल और पूरे स्टाफ की जो है पूरी घनघोर लापरवाही। क्या लगता है खबरों को लेकर कोई इशू था? खबरों को लेकर पुलिस नाराज थी? खबरों को लेकर असल में जो इनकी कमियां है वो उजागर करते थे सच्चाई के साथ, इसी को लेकर जो है उनकी पुरानी रंजिश थी, इसलिए टारगेट बनाया गया। देश आज़ादी का दिन मना रहा 15 अगस्त, आपके साथ ऐसा व्यवहार, क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से? सरकार से यही कहना है कि पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें।